लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। चुनाव से पहले सियासी घमासान तेज है। आज कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव आयोग से बीजेपी की शिकायत की। कांग्रेस ने मांग की देश भर में पेट्रोल पंप पर लगे पीएम मोदी की तस्वीरों को हटाया जाए। कांग्रेस ने पेट्रोल पंप पर पीएम की तस्वीर लगाने को आचार संहिता का उल्लंघन बताया। चुनाव आयोग में शिकायत के बाद कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह ने कहा कि पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी नेताओं के बयान को लेकर भी शिकायत दर्ज करवाई है। देखिए, हमने एक पत्र इलेक्शन कमीशन को साफ तौर पे कहा था, जो लाखों करोड़ एक्साइज के नाम से सरकार ने, जनता ने पेट्रोल और डीजल के नाम पे सरकार ने लिए, उसी पैसों से इश्तिहार पेट्रोल पंपों पे, पूरे देश के 62,000 पेट्रोल पंपों पर इश्तिहार प्रधानमंत्री जी के लगे हुए हैं, रेलवे स्टेशन में, एयरपोर्ट्स पे। इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पे कहा कि हमने आपके पत्र पर कार्रवाई की है और हमने आज शाम को रिव्यू रखा है कि किस तरह की इस तरह के इश्तिहार जो पेट्रोल पंपों पे, एयरपोर्टों पर और रेलवे स्टेशनों पे लगे हैं, उनको साफ तौर से उतारने का काम हुआ है कि नहीं हुआ है। दूसरा मुद्दा जो साफ तौर पे कहा कि जो मंत्री अश्लील बयानबाजी कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई करने का कर्तव्य इलेक्शन कमीशन का है। हमारे पत्र पर उन्होंने वीडियो को भी बुलाया है, जिसपे एक मंत्री ने तमाम तरह के आरोप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे लगाए हैं, उस पर कार्रवाई करने के लिए भी हमने बात अवश्य की। सरकार को जब पता है कि आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है, सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रही है, तो आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है? अब इलेक्शन कम, बिकॉज ये सरकार जो है प्रचार की सरकार है, जुमलों की सरकार है और इश्तियारों की सरकार है। बहुत शुक्रिया आरपीएन सिंह साहब हमारे साथ थे, संजय के साथ मोहित राजदूबे, न्यूज़ 1 दिल्ली।